स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर नंबर 4 क्लॉथ वी वियर कपड़े जो हम पहनते हैं। जिस प्रकार हमारी आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन शामिल है उसी प्रकार हमारी आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन भी कपड़े भी शामिल हैं। ओके जैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। वी वियर क्लॉथ्स हम कपड़े पहनते हैं टू कवर आवर बॉडी अपने शरीर को ढकने के लिए। दे प्रोटेक्ट अस प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं फ्रॉम हीट गर्मी से सर्दी से बारिश या वर्षा से डस्ट यानी धूल से एंड इंसेक्ट्स बाइट्स और कीड़े मकोड़े के काटने से भी कपड़े हमें बचाते हैं। क्लॉथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट और कपड़े हमें स्मार्ट भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के कपड़े देख सकते हैं जैसे कुर्ता हो गया ट्राउज़र हो गई स्वीट शर्ट हो गया लोअर हो गया ये फ्रॉक है स्कर्ट साड़ी और कोट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स। वी वियर डिफरेंट क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइम्स। हम विभिन्न डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं या नाना प्रकार के कपड़े पहनते हैं साल के अलग अलग समय पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। 3 प्रकार के कपड़े होते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। देखिए पॉइंट नंबर 1 कॉटन क्लॉथ। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम कॉटन यानी सूती कपड़े पहनते हैं गर्मी में। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स और हमें कॉटन यानी कपास या सूती कपड़े मिलते हैं सूत मिलती है किससे मिलती है कॉटन के प्लांट्स यानी पौधों से। दे एब्जॉर्ब स्वीट और वे पसीने को सोख लेते हैं एंड कीप द बॉडी कूल और हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वूलन क्लॉथ्स। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम वूलन यानी ऊनी वस्त्र पहनते हैं सर्दियों में। वी गेट वूल फ्रॉम शीप और हमें वूल यानी जो ऊन है वो प्राप्त होती है भेड़ से ऊंट से और रेबिट्स यानी खरगोश से खरगोश वगैरह एक्सेट्रा यानी वगैरह से। वूलन क्लॉथ्स और जो ये ऊनी वस्त्र होते हैं ट्रेप द हीट एंड कीप द बॉडी वार्म। गर्मी को वूलन यानी ऊनी वस्त्र गर्मी को बांधे रखते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेनकोट। वी वियर रेनकोट इन रेनी सीजन। हम रेनकोट्स पहनते हैं रेनी यानी बरसात के मौसम में। दे हेल्प अस टू स्टे ड्राई। वे हमें सूखा रहने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। द रेनकोट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। रेनकोट प्लास्टिक का बना होता है विच इज़ वाटरप्रूफ जो वाटरप्रूफ होता है। वी ऑल्सो यूज़ एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। हम बरसात यानी वर्षा ऋतु के मौसम में अम्ब्रेला यानी छाता भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीपल इन यूनिफॉर्म। सम पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ्स टू वर्क। कुछ व्यक्ति कुछ खास कपड़े पहनते हैं काम करने के लिए। सच क्लॉथ्स आर नोन एज यूनिफॉर्म्स और यही कपड़े ऐसे कपड़े उनकी यूनिफॉर्म कहलाते हैं। स्टूडेंट्स वियर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। और स्टूडेंट्स यानी जो छात्र होते हैं वो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं। पुलिसमैन पोस्टमैन सोल्जर्स डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं जैसे कि आप भी पहनते हैं पुलिस वाले को भी आपने देखा होगा पोस्टमैन को देखिए और ये सोल्जर यानी सैनिक। डॉक्टर्स वियर वाइट क्लॉथ्स। डॉक्टर जो चिकित्सक होते हैं वो वाइट क्लॉथ कोट्स पहनते हैं सफ़ेद रंग का कोट पहनते हैं। एंड लॉयर्स जो वकील होते हैं वियर ब्लैक कोट्स वो काले रंग का कपड़ा पहनते हैं या काला कोट पहनते हैं एज पार्ट ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स जो उनके यूनिफॉर्म्स का एक हिस्सा होती है। थैंक यू।